नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। अरे भाई जो लगाना है लगा दो, बग लगा दो या बम लगा दो, हम डरने वाले नहीं। मीटिंग होगी, सभी नेतागण आएंगे, राहुल जी आएंगे, सोनिया जी आएंगे, अखिलेश जी आ रहे हैं, लालू जी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, स्टालिन साहब आ रहे हैं, ममता जी आ रही है, हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं, कौन चाहिए आपको, आप नाम ले लो, वो सब आ रहे हैं। हम क्या देखे, प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए। अभी ब्रिक्स में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं, गले लगाए हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद चाइना का मैप आता है तो ये सवाल जो है उनको पूछना चाहिए, आपको कैसा लगता है। हमको, हमारा तो दिल टूट जाता है देखकर। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है कि लड़ाख में पेंगोन वैली तक चाइना घुस गया है, हमारी जमीन चाइना ने खा ली है। ये राहुल गांधी की बात सच है, हमको भी मालूम है। अरुणाचल में चाइना घुसने की कोशिश करते हैं, करो सर्जिकल स्ट्राइक, हिम्मत आए तो चाइना पर, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए। जागा वाटपाची चर्चा या बैठकीत होणार नाही, त्या संदर्भात हा जो प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे, त्याच्यावरती उद्याची पत्रकार परिषद आहे या इंडिया बैठकीच्या तयारी संदर्भात, आणि त्या बैठकीला स्वतः उद्धव ठाकरे उपस्थित राहतील, शरद पवार साहेब आहेत, काँग्रेसचे महत्त्वाचे नेते उपस्थित राहणार आहेत, नाना पटोले जी असतील, अशोकराव चव्हाण असतील, बाळासाहेब थोरात असतील, या सगळे प्रमुख नेते उपस्थित राहत आहेत, इतर सुद्धा JDU किंवा इतर पक्षाचे नेते आहेत, पण उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार परिषद आहे। हे प्रश्न तुम्ही त्यांच्याशी उद्या संवाद साधू शकता। महायुतीच्या ज्या दिवशी आपली इंडियाची बैठक आहे गुरुवार आणि शुक्रवार, त्या दिवशी महायुतीच्या नेत्यांनी देखील त्यांची 48 मतदारसंघाच्या आढावाची 2 दिवसाची बैठक आहे, काय वाटतं याच बैठकीला काउंटर करण्यासाठी? बघा, इंडियाला कोणी काउंटर करू शकत नाही। इंडियाचं जे घोषवाक्य आहे भारत जितेगा, आता आमची जी घोडदौड सुरू आहे इंडिया भारताची, ती रोखणं कोणाला शक्य नाही। तुम्ही कितीही आडवे या, बरं का, आम्हाला काही फरक पडत नाही। या देशामधलं वातावरण बदलत आहे, आणि 2024 आएगा तो मोदी नाही जाएगा तो मोदी ही घोषणा आहे। आता देखील थोड्या वेळातच शरद पवार आणि उदय सामंत यांची भेट होणार आहे या वायबी चव्हाण सेंटरला, कशा प्रकारे बघता? आम्ही काय बघत, अशा बैठका होत असतात, ममता बॅनर्जी दावा केलेला आहे लोकसभा की सीट पे भी डिसाइड करेंगे, इंडिया में भी क्या डिस्कशन होगा उसमें? इंडिया में इस बारे में डिसाइड नहीं होगा, इस बैठक में हम तीनों बैठकर। आपकी पार्टी कितनी सीट्स के लिए आगे जा रही है लोकसभा सीट्स के लिए? देखिए, इस बारे में चर्चा अब नहीं होगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे 18 सांसद थे महाराष्ट्र से, वो 18 सांसद कायम रहे, वो आंकड़ा कायम रहे लोकसभा में, और एक दादरा नगर हवेली 19 के 20 हो गए, 19 के 15 नहीं हो गए। सर एक बड़ा सवाल, कल उद्धव जी ने हिंगोली की सभा में देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बगैर उन्हें तर्क दिया, और क्या देशातील सर्व हेलिकॉप्टर जे आहेत ते बुकिंग करण्यात आले असं ममता बॅनर्जी दावा केलेला आहे। आम्ही पायी प्रवास करू आणि पायी काही प्रचार करू, तुम्ही हवेत उडत राहा, आम्ही जमिनीवर जनतेबरोबर राहू, आम्हाला काही चिंता नाही, तुम्ही विमान उडवा, हेलिकॉप्टर उडवा, इतकंच काय। प्रचारासाठी भारतीय जनता पक्षाने चंद्रयान जरी आणलं आणि त्याच्यावरून जरी प्रवास प्रचार केला तरी आम्हाला काही फरक पडत नाही। जरूर चंद्रयान 3 बोलवायचे, जरूर चंद्रयान 3 यहाँ लाइए और उसको कसे प्रचार करिए, कोई फरक नहीं पड़ता है। 2024 में हम जीतने जा रहे हैं और आप हार रहे हैं, ये मैं कहूंगा। हाँ सर, पालक मंत्री जनता प्रश्न है, चलिए थैंक यू वेरी मच। आज अशाच महत्त्वाच्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी नगर न्यूज 24 सबस्क्राइब करा।